हे गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, ठीक है, और अपने घरों के अंदर होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल पर, ठीक है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एनर्जी मास, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड न्यूक्लियर बॉम और एटम बम। सो टुडे स्टूडेंट, वी विल गोइंग टू डिस्कस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। क्लियर? तो बेटा आज हम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, आइंस्टाइन सेड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आइंस्टाइन ने यह कहा है कि मास और एनर्जी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। क्लियर? व्हाट आइंस्टाइन सेड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, और इनका संबंध इक्वेशन से होता है, एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, और इसका इन दोनों का, मास और एनर्जी का जो संबंध है वो इक्वेशन से उन्होंने बताया है, ठीक है। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? आइंस्टाइन सेड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, आइंस्टाइन ने यह कहा है कि मास और एनर्जी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, और इक्वेशन से संबंधित होते हैं, और उनको इक्वेशन से उनका संबंध बताया है, ठीक है। और इक्वेशन से कैसे रिलेट किया है, उनको रिलेट किया है मास और एनर्जी को आइंस्टाइन ने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे कुछ बोले आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। वेयर E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, अब देखिए यहां पर जो E है, E क्या है कि कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इफ कब, इफ मास M इज डिस्ट्रॉय, जो M क्या है यहां पर, मास है, जो मास डिस्ट्रॉय हुआ है, एंड C क्या है यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? एंड वेयर E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इफ मास M इज डिस्ट्रॉयड एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। याद रखिए, E अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस तब होगा जब मास, जिसको आप M बोलते हो, वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, और C क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगी वैक्यूम में, तब जाके E प्रोड्यूस होगा, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एग्जामिनर ऐसा ही पूछ सकता है, व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड E इज प्रोड्यूस, तो आप बोलेंगे इफ M इज डिस्ट्रॉय एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, कब, जब M डिस्ट्रॉय होगा, मास डिस्ट्रॉय होगा और स्पीड ऑफ लाइट होगी, तब जाके क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो E कैसे आएगा, जब मास डिस्ट्रॉय होगा और स्पीड ऑफ लाइट होगी तभी तो आएगा, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लार्ज, सो एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इवन इफ स्मॉल मास गेट डिस्ट्रॉय, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उसी कारण से एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जितनी ज्यादा स्पीड होगी लाइट की, उतनी ज्यादा एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इवन इफ स्मॉल मास गेट डिस्ट्रॉय, हालांकि मास, थोड़ा बहुत कम मास डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन स्पीड की लाइट बहुत ज्यादा होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप बोलोगे, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर मास तो बहुत कम डिस्ट्रॉय होता है, जैसे हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोसेस पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, कि मास आ लिटिल मास इज डिस्ट्रॉय, तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो जाती है। एग्जामिनर भी यही पूछ सकता है कि इवन इफ स्मॉल मास गेट डिस्ट्रॉय, हाउ इट इज पॉसिबल दैट एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। एग्जाम में भी पूछ सकता है, हालांकि स्मॉल अमाउंट मास का ही डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो जाती है। तो इसका आंसर यही है, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा लार्ज होती है, बहुत ज्यादा होती है, उस कारण से एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस
होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इवन इन इफ स्मॉल मास गेट्स डिस्ट्रॉय, हालांकि स्मॉल मास डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लार्ज, सो एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इवन इफ स्मॉल मास गेट डिस्ट्रॉय। क्लियर? और बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम सोचो ये छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ो यार, एक नंबर का है, यही लास्ट में गले की हड्डी बनते हैं। क्लियर? समझ गए? तो आगे चलते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास हैपन इन न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन विद द लिबरेशन ऑफ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मास कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हैपन होता है। देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ मास, मैंने पहले भी बताया था आपको जब मैं रिएक्शन पढ़ा रहा था न्यूक्लियर फ्यूजन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास हैपन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो मास का विध्वंस होता है, मास का डिस्ट्रक्शन होता है, वो कहां पर होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार की होती है, किसी में भी हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हो सकता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हो सकता है। फ्यूजन आप लोगों ने पढ़ लिया, फ्यूजन अब पढ़ेंगे, ठीक है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मास हैपन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसा पूछ सकता है, वेयर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास हैपन, तो आप बोलेंगे इन न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और किसके साथ? लिबरेशन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी के बनने, बहुत ज्यादा अमाउंट के, बहुत ज्यादा, जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो वहां पर क्या होता है? मास जो होता है, मास क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है मास का, ठीक है, विध्वंस होता है मास का, मतलब थोड़ा सा मास कम हो जाता है। क्लियर? सुनाओ, अब एक बात याद रखिएगा, इन द मास एनर्जी इक्वेशन, जो मास एनर्जी इक्वेशन है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इफ वी पुट द मास इन किलोग्राम, अगर हम मास एनर्जी इक्वेशन में अगर हम मास को किलोग्राम में पुट करते हैं, मतलब मास की वैल्यू किलोग्राम में हम पुट करते हैं, मतलब केजी में पुट करते हैं, और स्पीड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट हम मीटर पर सेकेंड में पुट करते हैं, तो जो एनर्जी आएगी मास एनर्जी इक्वेशन में, वो किसमें आएगी? जूल में। किसमें आएगी? जूल। क्लियर? तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन में जो एनर्जी निकल के आती है, वो हम उसको हम किसमें मेजर करते हैं? जूल में। किसमें मेजर करते हैं? जूल में। ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो याद रखिएगा, मास एनर्जी इक्वेशन में जो मास है वो केजी में आएगा, और जो लाइट की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है, और जो एनर्जी है, एनर्जी जो किसमें आएगी? जूल में। किसमें आएगी? जूल में, ठीक है, ठीक, क्लियर? तो अब एग्जांपल से समझाता हूं आपको, देखिए, अब एग्जांपल देखिए, आपको मान लिया मास एनर्जी इक्वेशन को कैलकुलेट करने को बोल देगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ठीक है, और पता होना चाहिए मास केजी में आता है, और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसमें आती है? मीटर पर सेकंड में, और जो एनर्जी आएगी ई, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, वो किसमें आएगी? जूल में। अब आप देखिए एग्जांपल देखिए, इफ अ मास ऑफ 1 kg ऑफ एनी मैटर कुड बी डिस्ट्रॉय इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस वुड बी गिवन बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। अगर मास ऑफ 1 kg मास किसी भी मैटर का, कोई भी पदार्थ का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो आपसे पूछ रहा है देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो कैसे निकलेगी? आइंस्टाइन इक्वेशन से, आइंस्टाइन इक्वेशन से। और कभी भी आपसे पूछ ले, आपको ये बोले कि मास, इतना मास किसी भी मैटर का है, वो डिस्ट्रॉय हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो बताओ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड हुई होगी, तो आपको सीधे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन लगा देना है, ठीक है। तो क्या होता है? इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ठीक है, तो एम मतलब मास, मास कितना देर का, कितने कह रहा है? 1 kg डिस्ट्रॉय हुआ है, तो एम मैंने यहां पर बताया था, एम का मतलब क्या होता है? मास डिस्ट्रॉय। अब मास याद रखिए, अगर मास 100 किलो होगा तो आप 100 किलो नहीं लिखेंगे, जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है, 100 में से अगर 1 किलो हुआ है तो 1 किलो ही लिखेंगे, क्योंकि एम का मतलब यहां पर मास से नहीं है, एम का मतलब यहां पर मास कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, कितना खत्म हुआ है, ठीक है। तो मास कितना डिस्ट्रॉय हुआ है? 1 kg, तो आपने m की जगह पर 1 kg रख दिया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है सी स्क्वायर, सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट याद रखिएगा 3 × 10⁸ होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो यहां पर लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब ये 3×10^8 का होल स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। और ये पावर है, पावर अब देखिए आप बोलोगे, आप सोचोगे कि 10^64 हो जाएगी, नहीं, जो पावर है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10^8 है तो 8×2 कितना होता है 16, तो 10^16 तो कितना आ गया 9×10^16। अब अगर 9×10^16 है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9×10^16 ही आएगा। तो आपको क्या पता लग गया कि जब 1 kg मास डिस्ट्रॉय होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में तो देखिए कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है 9×10^16 जूल, कितनी होती है 9×10^16 जूल होती है, ठीक है। अब 9×10^16 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 10 को 16 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कब, जब 1 kg मास क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है, क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, क्लियर, ठीक है। अब देखिए एनर्जी यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, अब एनर्जी अभी तक आप लोगों ने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा, तो अब एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट द कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, हम सबको पता है कि जो कॉमन यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है जूल, अभी आपको पता लगा था, तो हमको सबको पता है कि वी नो दैट द कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, क्लियर। बट द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, अब आप सबको पता है कॉमन यूनिट एनर्जी की जूल होती है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में उसको एक्सप्रेस करते हैं हम या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों, क्योंकि जो कॉमन यूनिट एनर्जी जूल की है वो होती है, लेकिन याद रखना कि जो एनर्जी रिलीज होती है, हालांकि मैं उस बात को गलत, उस थ्योरी को गलत साबित मैं नहीं कर रहा कि कॉमन यूनिट एनर्जी की जूल होती है, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान उस एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको आप ईवी बोलते हैं या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको आप MeV कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल होता है Es V कैपिटल, ठीक है, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल होता है Em कैपिटल, Es और V कैपिटल, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने E का इलेक्ट्रॉन लिखने से इलेक्ट्रॉन जब लिखा तो E उसका छोटा बनाया था और वोल्ट का V बड़ा बनाया, तो इसलिए सिंबल होता है Es V कैपिटल, और मिलियन इलेक्ट्रॉन का देखें आप Em कैपिटल है, Es है और V कैपिटल है, ठीक है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन का होता है MeV, तो याद रखिएगा जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान या तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाएगा या तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, एग्जामिनर पूछता थ्योरी में डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करो, हालांकि न्यूमेरिकल है लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता तो बच्चे नहीं लिख पाते, तो याद रखिए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.602×10^-19 कोलाम, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है जिस इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602×10^-19 कोलाम है वो लेता है जब वो एक्सीलरेट करता है, जब वो क्या करता है एक्सीलरेट करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.602×10^-19 कोलाम वेन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लेता है जिसका चार्ज 1.602×10^-19 कोलाम होगा, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन का सेम होता है तो आप वो लेता है
कब? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने समझा दिया, बार बार नहीं समझा, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है बेटा, हैंग हो जा रहा फोन, अभी बहुत टाइम लग गया सही करने में। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने समझा दिया, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम व्हेन एक्साइटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है जिसका चार्ज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, वो लेता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब कब लेता है वो? व्हेन एक्सेलरेट, जब उसको एक्सेलरेट किया जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसी को वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। क्लियर? और मैंने डेफिनेशन थ्योरी समझा दी तो इसी से इसकी इक्वेशन बन जाती है। मैंने क्या बोला? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है जिसका चार्ज इतना होता है जब उसे वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। तो याद रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां पर तो कोलाम्ब है और हमने यहां पर जूल क्यों लिखा? क्या है ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है? आपकी एनर्जी की यूनिट होती है। तो हालांकि जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानेंगे, लेकिन है तो ये एनर्जी, तो 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल होता है वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल। याद रखिएगा, और वन इलेक्ट्रॉन की थ्योरी थ्योरेटिकल डेफिनेशन मैंने समझा दी है। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोलते हैं? EV, E small, V capital is equal to 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल क्या बोलते हैं जी? क्लियर? ये हो गया। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉल यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? काफी स्मॉल यूनिट होती है। सो द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बिगर यूनिट कॉल्ड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी स्मॉल यूनिट होती है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान वो काफी ज्यादा अमाउंट में होती है। कभी आप इससे पहले आपने देखा कि एक 1 kg में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉल यूनिट, बहुत स्मॉल यूनिट होती है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो काफी ज्यादा होती है, तो उसकी बड़ी काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? बिगर यूनिट में, बड़ी यूनिट में, इसको हम बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको बोला जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी, लेकिन वो छोटी यूनिट होती है। जब छोटी अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज होगी तब आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ज्यादातर जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो ज्यादा बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है, तो उसके लिए उसको बिगर यूनिट में एक्सप्रेस किया है। तो आप किसमें एक्सप्रेस करेंगे उसको? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू तो हमको पता लगी कितनी होती है? 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो सिंपल है, वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे? आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। अब वो क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है, आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालिए ना, तो आप क्या करेंगे? जो ये इक्वेशन आई है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इक्वेशन आई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 मिलियन से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 मिलियन से। 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उसको 10 लाख से क्यों करो? क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। वैल्यू तो ये आ गई, आगे से क्या है उसके? मिलियन। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैसे निकालोगे? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है वो रखी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मिलियन से, मतलब 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मिलियन इसके इक्वल होगा 10⁻⁶ के इक्वल होगा, 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ कैसे बोलोगे? अब बोलोगे सर 1 मिलियन तो आप 10 लाख बोल रहे हो, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। 10 लाख में कितने होंगे? 6। तो 10⁻⁶, 10⁻⁶ इसका मतलब होगा 10 लाख। 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, तो 10 को 6 बार करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, तो 10 लाख हो गया।
तो क्या मैंने बताया कैसे वैल्यू ऑफ 1 मिली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आई है उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 10^6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10^-19 × 10^6 जूल × 10^6 जूल जो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 1 तो कितना हो गया, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू देखिए 1.602 ऐसी रहा। ठीक है, और 10 और 10 कॉमन आ गया, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस और साइन माइनस का होगा, तो 19 में से अगर 6 आप माइनस करेंगे तो आएगा 13, लेकिन साइन इसका बड़ा है माइनस 19 का तो माइनस 13। तो याद रखिए 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, तो 1.602 × 10^-13 जूल होती है। तो याद रखिएगा 1 मिली इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 × 10^-13 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10^-19 जूल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी वैल्यू है ये तो छोटी वैल्यू है, लेकिन इसका देखिए इसका 19 आ रहा है इसका 13 आ रहा है, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, लेकिन अगर ये प्लस में होता, ये दोनों प्लस में होते माइनस 19 और प्लस माइनस 13, तब मैं बोलता है कि मैंने ये इक्वेशन गलत बनाई, लेकिन ये देखिए माइनस 19 है ये माइनस 13 है, तो माइनस में वैल्यू जितनी कम हो वो उतनी ज्यादा मानी जाती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि माइनस में वैल्यू जितनी कम हो वो उसको उतना ज्यादा माना जाता है और माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा हो उसको उतना कम माना जाता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10^-13 जूल। क्लियर है, तो दिस इज अ टुडे सेशन, ये आप आज का टुडे का सेशन था आपको। ठीक है, आपका उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी चैनल आपका, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप बहुत से बच्चे सोच रहे हो सर रोज बोलते लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सर को पैसा नहीं मिलता। बेटा मेरे को भी पैसा नहीं मिलता, ठीक है, मेरे को भी पैसा नहीं मिलता, मैं ये चाहता हूँ कि जो फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, सब्सक्राइब करने से क्या होगे उनको भी नोटिफिकेशन आ जाए चैनल का कि क्लास इस पर मुझे स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मोटिवेशन है। मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है बेटा, मेरा मोटिव पैसा कमाना होता ठीक है तो मैं ये वीडियो छुट्टियों में आपके लिए नहीं बनाता। ठीक है, मेरे को शौक नहीं है छुट्टियों में क्या है आपके लिए वीडियो बनाने का, वो तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का पढ़ाई से टच ना छूटे, तो इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो मेरे को उसका पैसा मिल रहा है, मेरा तो खाली फालतू में नेट खर्च हो रहा है 600-700 MB दिन का। ठीक है, और मेहनत अलग से लग रही है, तो बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करने की दूसरी रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, आप लोगों ने पढ़ी, तो कल हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, अपना घरों के अंदर रहिए ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।